मेरे घर के अंदर ना कुछ टाइल्स वगैरह का काम नहीं है, बट 10 दिन में मैं और क्या कर सकती थी। हाँ बस थकान की वजह से इन्फेक्शन गले में बस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आवाज़ मेरी बैठी हो गई है, बैठ गई है एक्चुअली। मैंने बोला था ना कल रूम की चाबी मिल गई है, और कल घर पर कलर वगैरह था, मतलब वो घर पर कलर सब हो गया है। अभी थोड़ी साफ सफाई करना है, जो ज़मीन पर पोछा पाछी करना बाकी है। आवाज़ बहुत बुरी तरीके से बैठी है कल। एक्चुअली वहाँ पे रूम पे चली गई थी, कलर चालू था और वो सब धूल मट्टी। मेरे को ना इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब डस्ट इन्फेक्शन होता है ना, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बैठ जाती है। और अभी दोपहर के बज गए एक, सुबह से काम कर रही हूँ, घर काम सब सफाई कराई, माई को तैयार करी, बाथरूम में थोड़े कपड़े थे वो हाथ से धोई, खाना बना के रेडी है, चावल चढ़ा दिया है, यहाँ देखे दाल रेडी है, दाल भी बन गई है, माई को देखे आवाज बैठ गई है, मालूम नहीं है माई से। माई स्कूल जा रही है, अभी तो स्ट्रेप्सिल ला के देना मुझे, स्ट्रेप्सिल खाऊंगी ना तो आराम होगा। नाश्ता भी नहीं करी मैं, देखे दोपहर के 1 बज गए, देखे दोपहर के 1:20 हो गए, 1:20। और ये देखिए मेरा नाश्ता, दा पालक की दाल और ये पाव। अभी नाश्ता करती हूँ, बस नाश्ता भी नहीं हुआ, अभी बस नाश्ता करूँगी। नू मैं माई को स्कूल छोड़ने का, अभी नू मैं लेके स्कूल छोड़ेगा, नू मेरे घर में ही है। आज नू मेरे का पेपर नहीं है, नू मेरे देखे आज नू मेरे का पेपर नहीं है, अभी डायरेक्ट सैटरडे को नू मेरे का पेपर है। ए नू मेर स्टेप्सिल ला के देना बेटा, स्टेप्सिल स्टेप्सिल मेरा आया। क्या मेरी मम्मी को तो आ गया। हेलो कैसे आप सब? मेडिकल से स्टेप्स ला के दे बेटा, मेरा गला बहुत खराब है। अभी नाश्ता करके अभी रूम पे जाती हूँ, और कल भी रूम बोली थी आपको दिखाऊंगी, दिखा नहीं पाई, बट अभी जाऊंगी ना तो इंशाल्लाह थोड़ा से मतलब साफ सफाई करेंगे आज घर का, तो इंशाल्लाह आपको भी मतलब एक व्यू दिखा दूंगी रूम की। रूम बोले तो भाई इतना मैंने हाई फाई रूम नहीं लिया, बट मदीना के लायक का है, चलेगा, जैसा भी अल्लाह नवाजे, जैसा नवाजा अल्लाह ने बस वैसा लिया है। तो बाकी तो चले फिर रूम पे बात करती हूँ आपसे। माही माही ये बच्चा मोजे पहन रही, अच्छा देखिए टिफिन ले लिया बच्चा, लाया क्या बेटा? हाँ मेरे बच्चे ने स्टेप्सिल लेकर आया मम्मा के लिए। कहाँ जा रहा है? रूम जा रहा है, मेरे ने लेके आया, स्कूल गया ना माई को छोड़ने लेकर आया, एक ही लाया मैं, उसको बोली दो लेकर आ, अभी इससे मेरे को आराम होता है, ये खाऊंगी ना तो इससे मेरे को थोड़ा आराम होता है। तो चले अभी नाश्ता होता हो गया, ये खाती हूँ और चलती हूँ फिर रूम के ऊपर। जा रहे हम लोग रूम के ऊपर, आवाज़ बैठ गई है, चिल्ला के आवाज़ ही नहीं निकल रही आज तो, बहुत आवाज़ मारो और आवाज़ बंद करो। तो चले अभी रूम पे जाती हूँ और आज आपको रूम की टूर करवाती हूँ, न्यू रूम की टूर करवाती हूँ। आपके पास जिनकी हालत देखे पूरे वाइट वाइट हो गए, बस यही गाना गाते रहते। अभी आज सामान थोड़े थोड़े से निकालेंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी बाकी बात वो घर पर चले। Thank you.
बस फाइनली घर पे पहुंची मैं, और यहाँ पे देखिए ये मेरे घर का जो है ना, मेरा घर है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब पहला माला हम लोग बोलते हैं जिसे, तो ये घर की सीढ़ी, और वहाँ से एंट्री लेंगे तो ये डोर है बाहर का, और यहाँ पे देखेंगे तो टाकी है, जिसमें जो मेरा कनेक्शन है, मेरे घर का कनेक्शन है ये टाकी का, और बाहर जो है सेफ्टी डोर भी लगा हुआ है, मतलब लोखड़ का, और यहाँ से अंदर एंट्री लेंगे, आपके भाईजान खड़े हैं, और यहाँ पे साफ़ सफाई करके, मतलब इन्होंने कलर वलर सब ऑलमोस्ट हो गया है, येल्लो कलर लगाया है घर में, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, आवाज़ मेरी बैठी हुई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ज़ैद आया था साथ में हमारे बाजू वाला, मैंने बोली था माई का दोस्त है। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा पाइप का काम है, मतलब जो जो थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसा जैसा हो रहा था ना सब करवा रहे थे, फिर भी बहुत जितना हो सका उससे ज़्यादा ही हम लोग ने फास्ट करवाया काम। ये देखिए अंदर का एक बेडरूम है, अब इसको हॉल बोलो बेडरूम बोलो, मतलब दो बड़े बड़े हॉल हो गए, तो ये अंदर का बेडरूम है। यहाँ देखिए ज़ैद देख रहा था, सब बता रहा था मुझे, आंटी अच्छा है बोले, यहाँ भी बड़ा है, और ये माशाल्लाह अंदर बहुत बड़ा ही है देखे, और दो डोर भी है जो हवा आने के लिए, और एकदम ठंडा लग रहा रूम के अंदर, सीरियसली यार बहुत ठंडा लग रहा, मुझे लग रहा था कि माले का रूम है, फर्स्ट फ्लोर है, बहुत गर्म होगा, बट बहुत ठंडा रूम है, गर्म नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल से ठंडी में बहुत प्रॉब्लम होगा। और नीचे जो है ना वो ज़मीन पे जो है ना कारपेट डाला हुआ है, ये जो है ना नीचे कारपेट है, कारपेट मतलब उसके नीचे जो है ना लादी है, बट इसके ऊपर ये लोगों ने कारपेट डाला हुआ था, तो बस ऑलमोस्ट इसको भी मैंने बहुत अच्छे से अभी मैं धो धा के अभी इसको हम लोग को साफ़ करना है, मतलब अभी किया नहीं, अभी करेंगे हम लोग इसको साफ़ सफाई। तो फाइनली पहुँच गई मैं अपने न्यू घर में, तो कैसा लगा आपको, कलर का काम अभी थोड़ा सा कलर हो गया है, बट अभी थोड़ा थोड़ा सा और बाकी है, आपके भाईजान कर रहे हैं येलो कलर। हाँ करती हूँ, हाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ज़ैद आया साथ में, वो सब बता रहा है मुझे कैसे करना है, क्या क्या करना है, इधर आंटी यहाँ रखो, आंटी वहाँ रखो, अच्छा बाटला वहाँ रखो, अच्छा ठीक है। और माही नहीं है, स्कूल गई है, उधर बड़ा है, ज़ैद बता रहा है मुझे। और माही स्कूल गई है, नुमे ट्यूशन निकल गया, और हम लोग रूम पे आए थे, तो बस अभी जो जो थोड़ा थोड़ा सफाई करने का, पोछा पाछी के लिए लेके आए थे आपके भाईजान ने मुझे, सब पोछने का है अभी, तो मैं और आपके भाईजान और मेरी बहन को बुलाई हूँ, मैंने वो भी आएगी साथ में, मिलकर पोछा पाछी करेंगे, तो बस शाम में मिलती हूँ घर पे जाके। उजाला अच्छा आ रहा है ना यहाँ पे, लाइट नहीं चालू अभी, लाइट वाइट सब बाकी अभी करने का, बट उजाला अच्छा आ रहा है। ये पीछे का रूम है, ये पीछे का रूम, हाँ ये पीछे बैकवर्ड पीछे का रूम है। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा मेरे घर के अंदर ना कुछ टाइल्स वगैरह का काम नहीं है, बट मेरे को इतना है ना कि बस घाई घाई में मैं यही ढूंढ पाई, 10 दिन में मैं और क्या कर सकती थी, तो 10 दिन में बस मुझे यही मिला, और बाकी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। चले जब तक के लिए बाय। कारपेट लगी हुई है, कारपेट है, अभी थोड़ा लाइट नहीं है, लाइट लाइट का भी करना पड़ेगा, अभी पहुंच गई मैंने, बस अभी जा रही हूँ मैं। और चलो माही, ये मेरा बाहर का आउटडोर है, कहाँ जा रही है,
अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। हाँ, मैं भी हो गया यहाँ का काम। हाँ? यहाँ का काम हो गया, अभी मैं भी आ रही हूँ। तो बस वहाँ से घर पे आई, पूरा घर साफ कर गई, अच्छा पोछा पाछी मार के। मैंने मेरी बहन को भी बुलाई थी तो वो आके हेल्प की थी उसने भी। तो बस घर पे आई और फिर सामने से ओनर ने भी बोले कि ना वो जो आने वाली ना न्यू रेंटर, उसको थोड़ा कुछ सामान रखना है, तो थोड़ा सामान तुम लोग निकाल सकते तो निकाल लो। तो फिर मैंने हजरत को कॉल किया जो हमारे घर में कुरान खानी करवाते हैं। मैंने उनको बोली कि ऐसी ऐसी बात है, सामान निकालना है, और वो बोल रहे निकालना है, चलेगा क्या? तो बोले हाँ, आप अंदर अपना सामान निकाल लो, कोई मसला नहीं है, बाद में भी करो, कुरान शरीफ कराएंगे तो सामान आप पहुँचा दो। तो उनकी बात सुन के फिर मैंने सामान पहुँचा दिया, जितना हो सका मैंने सारा सामान पैक किया कि ये लोगों को सामान को मैं अंदर वाला जो बेडरूम है जो आपने देखा था उसमें मैं डलवा दूँगी, और कुरान खानी जो है ना हम लोग बाहर जो हॉल है ना हम लोग उसमें कुरान खानी कराएंगे। तो बस घर पे आके फटाफट फटाफट जितना हो सका मैंने और आपके भाईजान ने मिलके सामान पैकिंग किए, और पहुँचाने का काम तो आपके भाईजान कर रहे थे, लेकिन पैकिंग करना मेरे लिए बहुत भारी हो गया था। और पूरे पोटले बाने मैंने, पोटला बोलते हैं ना हम लोग, पोटला वोटला कबाड़ में से ये वो करके ऑलमोस्ट डन कर दिया मैंने। अच्छा, हमने घर, मेरी तो आवाज नहीं निकल रही यार, हद है यार, ये आवाज बैठ गई है अच्छे से। हाँ, स्टेपसिल खाई मैंने लेकिन नहीं हुआ आराम, दवा लाना पड़ेगा फैयाज। ओके, ला लेंगे, लड़ाई कर ले हम। एक टाइम की दवा ला दो यार मेरे को प्लीज, गला बहुत ज्यादा दुख रहा है। सारा जमाना, हाँ बस मदीना का दियो। जमाना पता नहीं मुझे, लेकिन फैयाज जरूर दीवाना है। चला जान हो रही है ये। चले, कबाड़ हो गया खाली, कबाड़ हो गया मेरा खाली, अभी बंद करो। और इसको भी, इसको हटाओ जरा, इस पर इसको बंद करो, लॉक करो, अभी कबाड़ जाएगा हमारा। तो बस सामान अभी बाहर निकल रहा है, मतलब मेरे रूम पे पहुंच रहा है। और ये जो बच्चे हैं ना, ये आजू बाजू वाले बच्चे, मतलब मेरे के फ्रेंड है और पहचान वाले बच्चे लोग ने बहुत हेल्प की पूरा सामान पहुंचाने में। छोटे बच्चे भी बहुत हेल्प किए, बड़े भी किए, मतलब बहुत हेल्प हो गई हम लोग की। मतलब आपके भाईजान अकेले नहीं थे सामान पहुँचाने के लिए, बहुत लोग थे साथ में, तो बस आपके भाईजान दे रहे थे और बच्चे जा जा के अपने घर पर रख कर आ रहे थे। तो बस ये एक अच्छा हो गया कि बच्चों लोग ने हेल्प की। झाड़ू ले बेटा, झाड़ू लाए थे ना वहाँ से। हाँ, इस तरफ करना, जल्दी मार। क्या बड़ी झाड़ू लाई, यहाँ पर कबाड़ भी सड़ गया वहाँ का भी हिस्सा। अच्छा, नुमेर आ चुका था घर पे, और नुमेर भी बहुत हेल्प करने के लिए खड़ा हो गया था, क्योंकि उसको भी नहीं अच्छा लग रहा था ना पापा अकेले कर रहे घर के। तो मेरे को बोला कि मम्मा बस ट्यूशन से आ जाऊँगा तो मैं पापा की हेल्प करूँगा। तो बस आने के बाद में वो भी बहुत हेल्प कर रहा था। और मेन मसला होता है ना बड़े बड़े चीज़ों का, जैसे कबाड़, फ्रिज। तो कबाड़ मैंने बोला कबाड़ अभी पहले निकाल दो। उनके दोस्त थे वहाँ पे जो फयाज के, तो बस वो आप उनके फ्रेंड लोग ने बहुत हेल्प करे सामान निकालने के लिए घर में से। मेरे पर्दा हटा, आने दो, आने दो, आराम से, 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 आराम से। घर पूरा यहाँ का साफ हो गया हिस्सा, यहाँ का पूरा हम लोग ने निकाल दिए। देखे, हाँ ये फेंक दो, एक दो। हा? अरे माही, और एक डांस, माही जा रही है डांस क्लास। नुमेर इसको छोड़ के जल्दी आना, इसको छोड़ के जल्दी आ जा, ऊपर का निकालने का।
एक्चुअली मेरे को ये घर ये साफ कर खाली करना पड़ा, वो जो रहने आने वाली है ना। अच्छा मैं बताती हूँ। चल माई तू जल्दी जा पहले, चल माई को निकलने दीजिए। अब इतना ही बाकी अपना सामान, अभी थोड़ा कोट माले का बाकी है ना बेटा, कोट माले का तो मेन है। अच्छा माई बोल रही है कबाड़ चला गया, कबाड़ भी गया। माई को मिरर मिरर नहीं है माई के पास, आईने में मुंह देखने के लिए चाहिए। क्या ये संभाल के रख दो माई जल्दी। अच्छा माई को मिल गया मिरर, माई टेंशन में आ गई, कबाड़ चला गया, आईने में मुंह कहाँ से देखेंगे। हाँ देख ले, आईने संभाल के रखो, अभी दो दिन वही काम है, दो दिन अभी उसी में काम चलाना पड़ेगा। कबाड़ तो चला गया। चल भाई जल्दी जा, ये वाली चप्पल क्यों पहन के जा रही है? पागल चाले क्या करती रहती, पागल चाले बातें करती है मैडम। अभी दिला के टाइम भी नहीं हुआ, बोलती क्या जो जूना हो गया छोटा हो गया, बस इसको ना बहाने मांगता बस कुछ ना कुछ। मुँह पे पाउडर पोच, ये पूरा पाउडर है यहाँ पे, पाउडर पाउडर। हाँ बस चल जल्दी जरा, टाइम हो गया रे, 8:05 हो गया। बाय, अल्लाह हाफिज। तो बस यहाँ पे कबाड़ निकल गया और नीचे का भी कबाड़ निकल गया था, जो जो सामान था ना वो भी निकाल दिया। आखिरी कोट माला था तो मैंने आपके भाईजान को मैं बोली कि अभी जो भी हो रहा रात में कर लेते, क्योंकि फिर ना सुबह में पानी के चक्कर में ना कुछ काम नहीं होता है। तो बस जितना हो सके हम लोग ने कोट माला भी खाली करवाया, कोट माले में मेरा सामान था माशाल्लाह, तो बस वो भी सामान हमने साथ ही में खाली करवा दिया कोट माले का। तो बस अभी ये सब निकल जाए फिर देखेंगे। अभी सैटरडे के दिन इंशाल्लाह कुरान शरीफ कुरान खानी हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश में थी कि ना कुरान खानी जुमेरात के दिन हो जाए, बट अभी शबे बारात है ना, वो वजह से हजरत लोग के पास में टाइम नहीं है, मतलब उन लोग ने सबका टाइम उन लोग का फिक्स हो चुका पहले से, और इसीलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया। उन्होंने बोला कि सबको टाइम दे दिया है ना इसीलिए, वरना वो आ जाते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं होता उनको। अगर 2 घंटा पहले भी मैं बोलूँ ना तो वो आ जाते, बट अभी क्या ना शबे बारात की वजह से टाइम नहीं है, वो वजह से मेरी कुरान खानी थोड़ी लेट हो रही है सैटरडे के दिन। तो बस सैटरडे के दिन इंशाल्लाह पूरा का पूरा सब कुछ साफ़ कर दूंगी, घर कुछ भी नहीं रखूंगी। अभी जितना हो सकेगा उतना भी हम लोग रात तक ही निकालेंगे, भले कितने भी बच जाए तो बस रात तक ही निकालेंगे। और ये चक्कर में ना यार सीरियसली तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं सेकेंड डे वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी मेरी आवाज़ देखे आप, बहुत आवाज़ ख़राब हो गई है, क्योंकि धूल मट्टी, मुझे ज़रा धूल मट्टी से बहुत एलर्जी है, डस्ट वगैरह मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, उससे मेरी आवाज़ ख़राब होती है या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस ये धूल मट्टी से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और आवाज़ अभी तक मेरी अच्छी नहीं हुई। आई होप कि आप लोग एडजस्ट कर लोगे, इंशाल्लाह 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, जब तक मैं अपने रूम में शिफ्ट होंगी जब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बाकी मेरा न्यू घर कैसे लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि पसंद आया कि नहीं आया आप लोगों को। याद है कि आपके भाईजान को थक गए प्रयास पूरा काम बाकी है अभी, तो वहाँ पे भी पूरा सेट करने का है। क्या नाटक कर रहे ले, उठ के बैठो। गाइस क्या हो गया ये? अच्छा ये निकाल दिया हम लोग ने, ये साफ हो गया। आप लोग साथ देने आए नहीं, घर खाली करने के लिए हेल्प करने आए नहीं? हम लोग अकेले भाजी और भाईजान को छोड़ डाले, आप लोग को इनवाइट कर रहे हो घर साफ घर खाली करने के लिए। तो बस अभी मैं बोल रही थी कि ना ये वाला साफ़ हो गया, यहाँ से कबाट हट गया देखिए, और यहाँ से ना सब सामान साफ़ हो गया, खाली वॉशिंग मशीन है। तो एक्चुअली अभी उनको उनका सामान रखने का है। क्या फैज यार कितना बोला। अच्छा वो जो आने वाले ना उनको उनका सामान रखने का है, उनका सामान का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो अपना सामान रखेंगे, इसलिए मुझे ये आज इमरजेंसी में खाली करना पड़ा, वरना मैं नहीं करती थी। मतलब मैं शबे बारात है ना कल, आप लोगों को पता है ना, तो कल का थोड़ा सा मसला बहुत हो रहा है मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअली। गाइस ये मत सोचना कपड़े इधर इधर पड़े, हमारी मजबूरी कैसी है आप समझ लो। हाँ आप कमेंट में बोलोगे क्या बाजी साफ सफाई नहीं रखे ले, कहाँ कपड़े पड़े, ये पड़े वो पड़े, और इतना गौर से मत देखना क्योंकि अभी हम लोग की हालत ही खराब है। अब कबाड़ भी इधर नहीं है, कबाड़ नहीं है, मैंने थोड़े से कपड़े 2-3 जोड़ी रख ली मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए, अभी बाकी सामान तो पहुँचा दी वो घर में ना, मेरे कुरान खानी नहीं हुई ना इसीलिए ना। हाँ
पुराने खाने भी नहीं हुई और कल शबे बारात भी है, तो अभी देखेंगे कल का हम लोग क्या करेंगे। अभी फिलहाल मेरी आवाज बहुत ज्यादा बैठी हुई है, मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा गर्म पानी से, वो कल बैठे हुए थे ना वहाँ पर जरा थोड़ा साफ सफाई करने में, तो इसलिए लगता धूल धूल पूरा गई है, थकान की वजह से इन्फेक्शन गले में। बस अभी मेरी हालत देखे कैसी हो गई, तो चले अभी वो बाजी के मत देखे, मेरी हालत देखे कैसी हो गई कैसी हो गई, चड्डी पेट पहन के घूमना पड़ा। वैसे भी तुमको चड्डी का शौक है, बोले मत देखो तुम। तो चले फिर आज यहीं पे बस ऐड कर देंगे, अभी लंबा नहीं करूंगी ज्यादा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग। इसी के साथ कहेंगे हम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सही बोल रहे हैं। तो चले फिर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटा बटन दबा देना। और जिसके दिल में मोहब्बत जलता जो इंसान है उसके दिल में हमारे लिए बहुत मोहब्बत है, उसके लिए तो लव यू लव यू लव यू। कुछ भी बोलते हैं इनके बातों को ध्यान में देना, कुछ भी बोलते हैं। फुल वीडियो देखिए और हमारी वीडियो फुल देखना विदाउट स्किपिंग। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ। जब तक ये दुआ है हम कहेंगे अल्लाह हाफिज़।